नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस पदकों को लेकर सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। इसके मुताबिक वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस पदकों पर लगे शेख अब्दुल्ला के चित्र को हटाकर अब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस पदकों पर लगे शेख अब्दुल्ला के चित्र को हटाकर अब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा। अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री थे। पदकों पर अशोक स्तंभ के चिन्ह लगाने के लिए गृह विभाग से आदेश जारी किए गए। इससे पहले सरकार ने शेरे कश्मीर पुलिस पदक का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर पुलिस पदक कर दिया था। शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता था, उनके समर्थक उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। शेरे कश्मीर के नाम पर राज्य भर में कई अस्पताल, स्टेडियम, सड़कें और कई अन्य इमारतें हैं। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा और फारूक अब्दुल्ला के पिता थे। वे राज्य के पहले सीएम भी थे। जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने पिता की याद में पुलिस को दिए जाने वाले पदकों पर उनकी तस्वीर लगा दी थी। जम्मू कश्मीर की सियासत में अब्दुल्ला परिवार फर्स्ट फैमिली की हैसियत रखता है। शेख अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर 1905 को हुआ था और उनका निधन 8 सितंबर 1982 को हुआ था। शेख अब्दुल्ला को मरणोपरांत 1988 में उनकी लिखी आत्मकथा आतिशे चिनार के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। ऊपरी असम में मुस्लिम समुदाय द्वारा नौगांव जिले के बटद्रबा में एक व्यक्ति की मौत के बाद थाना परिसर को आग में झोंक देने की घटना के विरोध में हिंदू संगठन डिब्रूगढ़ जिला हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कल शाम को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ऊपरी असम में मुस्लिम समुदाय द्वारा नौगांव जिले के बटद्रबा में एक व्यक्ति की मौत के बाद थाना परिसर को आग में झोंक देने के घटना के विरोध में हिंदू संगठन हिंदू क्रांति दल ने सोमवार शाम को रैली निकाली। डिब्रूगढ़ जिला हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के रेलवे स्टेशन के पास से रैली निकालकर हिंदुओं की हत्या बंद करो, बांग्लादेशी मियां होशियार नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जुलूस में काफी संख्या में उपस्थित हिंदू संगठन के नेताओं ने भाजपा शासित राज्य में हिंदुओं की हत्या और प्रशासन की असुरक्षा पर सरकार से सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से सरकार से दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बजाय एनकाउंटर करने की मांग की है। असम के आज डिब्रूगढ़ जिला में हम लोगों ने हिंदू क्रांति दल के दल से डिब्रूगढ़ जिला में हम लोगों ने प्रतिवाद किया। ऐसा देखने को मिलता है कुछ दिनों में बीजेपी सरकार रहते हुए भी असम में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगता है। आज से 4-5 दिन पहले दीपज्योति दास का मुसलमानों द्वारा हत्या किया गया और उसके बाद भी नगांव के बंडरडुआ थान में प्रशासन का जो थाना है उसको जला दिया गया। तो यही हम असम के मुख्यमंत्री और भारत सरकार को यही कहना चाहते हैं कि यदि असम में जिला प्रशासन यदि असम का सुरक्षित नहीं है तो हमारा हिंदू समाज कब सुरक्षित होगा। यही आज हम लोग का मुद्दा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिताली एक्सप्रेस तीसरी भारत बांग्लादेश ट्रेन सेवा 1 जून को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए शुरू होने वाली है। न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका छावनी स्टेशन के बीच 513 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को 9 घंटे का समय लगेगा। ये एक डीजल इंजन द्वारा संचालित होगा और इसमें 4 वातानुकूलित केबिन कोच और 4 वातानुकूलित चेयर कार होंगे। रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन यात्रा के लिए सीमा शुल्क और आव्रजन सेवाएं उपलब्ध रहे। भारत बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस सेवा 1 जून से शुरू होने वाली है। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से बांग्लादेश के ढाका तक जाएगी। ये तीसरी भारत बांग्लादेश ट्रेन सेवा होगी। ट्रेन 9 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच 513 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें 4 एयर कंडीशन केबिन
डिब्बे और 4 एयर कंडीशन चेयर होंगे। ये डीजल लोकोमोटिव द्वारा संचालित होगी। कूचबिहार और एनजेपी स्टेशन के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन यात्रा के लिए सीमा शुल्क और आव्रजन सेवाएं लागू रहेंगी। एएनआई से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के साथ मिताली एक्सप्रेस पर्यटन को फलने फूलने में मदद करेगी। मंत्री ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में स्टेशन के आसपास सुविधा के लिए एक अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कम बजट के होटल होंगे। कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ एहतियात के तौर पर मार्च 2020 में कोलकाता और बांग्लादेश के शहरों के बीच ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने ढाका से कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश रेलवे के रेक द्वारा और कोलकाता से कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे रेक के द्वारा 29 मई 2022 को फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं 1 जून को रेल भवन से भारत और बांग्लादेश के रेल मंत्रियों द्वारा मिताली एक्सप्रेस को डिजिटल तरीके से हरी झंडी दिखाने के बाद एनजेपी ढाका मिताली एक्सप्रेस की सेवाएं शुरू किए जाने की योजना है। उस दौरान बांग्लादेशी रेल मंत्री के भारत में होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने चीन के वेई ई को 2.5 और 1.5 से हराकर ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अपना कमाल का खेल जारी रखते हुए चेसेबल मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वेई ई को 2.5 और 1.5 से हराकर ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में प्रज्ञानंद ने हमवतन ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को हराकर मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर चेसेबल मास्टर्स 2022 के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद सेमीफाइनल में अनीश गिरी नीदरलैंड से भिड़ेंगे। दूसरी ओर विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में चीन के डिंग लिरेन से मुकाबला करेंगे। गिरी और कार्लसन ने क्रमश नॉर्वे के आर्यन तोड़ी और स्पेन के डेविड एंटोन गुजारो को हराया। वहीं लिरेन ने अजरबैजान के शखरियार मामे दियारो को मात दी। प्रज्ञानंदा ने 6ठे दौर में कार्लसन को हराया था। वो अनीश कार्लसन और लिरेन के बाद प्रारंभिक दौर में 4थे स्थान पर थे। भारत के पी हरिकृष्णा और विदित गुजराती शीर्ष 8 में जगह नहीं बना सके। बता दें कि ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 5वें दौर में विश्व चैंपियन को मैग्नस कार्लसन को भी शिकस्त दी थी। इस 16 साल के भारतीय खिलाड़ी की मौजूदा सत्र में नॉर्वे के दिग्गज ग्रैंड मास्टर पर सत्र की दूसरी जीत दर्ज की थी। उन्होंने 3 महीने पहले भी कार्लसन को हराने का कमाल कर दिखाया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।